तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है हर्ष फिटनेस। तो दोस्तों, आज हम मेरे एज इट इज के ब्लेंडेड कार्ब्स का रिव्यू करेंगे। सो ये आज ही डिलीवर हुआ है अमेज़न से। सो आज मैं आपको एक तो एज इट इज का भी रिव्यू बताऊंगा और साथ ही साथ एज इट इज के कार्ब्स का भी रिव्यू बताऊंगा, जो ये कार्ब्स ब्लेंड देते हैं, क्या प्राइस रहता है, क्या रहता है, कार्ब्स ब्लेंड क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस डब्बे में क्या क्या है। तो दोस्तों ये रहा एज इट इज का 1 kg का कार्ब। सो दोस्तों पैकिंग तो इसकी काफी अच्छी है, तो देखते हैं अंदर से कि ये कैसा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको अनपैक कर दिया है। एंड अब मैं आपको इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स जो दिए गए हैं वो 1 gram स्कूप जो है वो आपका रहेगा 30 gram का। सो एक स्कूप जो रहेगा वो आपका 30 gram का रहेगा और उसमें 120 calories रहेंगी, जिसमें 30 to 30 gram कार्ब्स रहेंगे। और दोस्तों ये है एक ब्लेंड कार्ब्स है जो कि अनफ्लेवर्ड है, नॉन एडिटिव एडिड है, वाटर सोल्यूबल है, प्रिजर्वेटिव फ्री है एंड टेस्टेड फॉर प्योरिटी एंड हैवी मेटल्स है। सो दोस्तों ये रहा एज इट इज का प्योर कार्ब। सो अब मेन बात आती है कि एज इट इज का रिव्यू। सो दोस्तों एज इट इज, जैसे कि आपको पता है इंडियन ब्रांड है और आपको पता ही है कि इंडियन ब्रांड्स मोस्टली इग्नोर ही किए जाते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज इट इज मच बेटर देन एनी अदर इंडियन ब्रांड्स लाइक मसल ग्लेज। क्योंकि मैंने इसका एक बार पंजाब में आइसोलेट भी मंगाया था 700 का एंड उसका रिजल्ट मेरे को काफ़ी दिखा था। सो दैट्स व्हाई मैंने इसका भी कार्ब्स भी मंगा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि एज इट इज का अगर इंडियन ब्रांड लेना तो मैं एज इट इज के ले जा सकता हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि इंडियन ब्रांड्स थोड़े से कम कॉस्टली रहते हैं, क्योंकि बाहर के जो ब्रांड्स रहते हैं उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ जाती है, जो कि यही चीज़ यही क्वालिटी आपको थोड़ी महंगी मिल जाती है। सो दोस्तों ये था। और बेसिकली बात आती है कि कार्ब ब्लेंड कार्ब्स मैं क्यों ले रहा हूँ। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं अब गेनिंग फेज में हूँ। सो गेनिंग फेज में क्या रहता है, लीन गेन में क्या रहता है कि आपको कार्ब्स हाई रखने पड़ते हैं। कार्ब्स हाई रखने मतलब कि आप जैसे ही अपनी एक्सरसाइज खत्म करते हो तो आप अपनी मसल को कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स भी दोगे, जैसे कि गेनर्स में भी होता है। आपने देखा ही होगा गेनर्स में क्या रहता है, कार्ब्स रहते हैं हाई और प्रोटीन रहता है। सो बेसिकली मेरे पास प्रोटीन पड़ा था, तो मेरा यही था कि गेनर तो अब लेने का फायदा नहीं था क्योंकि प्रोटीन मेरे पास पड़ा हुआ। सो क्यों ना मैं ब्लेंड कार्ब्स मंगा लूँ और उन दोनों को मिक्स करके रोज का 1 scoop फॉर रिकवरी के लिए, मेरी मसल रिकवरी के लिए ले लूँ। तो दोस्तों इसलिए कार्ब्स लिए जाते हैं। अगर आपको वेट भी इंक्रीज करना है तब भी आप कार्ब्स ले सकते हो। इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ये 1 kg 400 का ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, MRP भी इसकी 600 ही लिखी है। सो दोस्तों अब मैं इसको खोलूँगा, तो आपके सामने ही खोल रहा हूँ। और मेन चीज़ देखने वाली ये कि इंडियन ब्रांड, जैसे कि मैंने आपको बोला, काफ़ी ज़्यादा अपनी प्योरिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने QR कोड दिया, आप इसको स्कैन करके चेक कर सकते हो इज इट ओरिजिनल और नॉट। सो अब मैं इसको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आप जैसे देख ही सकते हो ये वाइट पाउडर की फॉर्म में है, वाइट पाउडर की फॉर्म में है, कोई टेस्ट नहीं है इसका, सिंपल प्लेन पाउडर लग रहा है। सो जैसे कि ये नॉन फ्लेवर रहते हैं, इनमें कोई एडिटिव्स भी नहीं है, कोई शुगर भी नहीं है, सिर्फ कार्ब्स हैं। सो ये मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में लूंगा अपनी रिकवरी के लिए।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपको पता ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मैं अपनी रील्स पे भी फोकस, रील्स नहीं शॉर्ट्स पे भी फोकस कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपको अच्छे लगे तो, और आप उसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।